Is it okay? Rakesh ji. सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन जी को बधाई देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आर्थिक अनुशासन के द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया है, आज जिससे हम एप्रोप्रिएशन बिल पर के सप्लीमेंट्री ग्रांट पर बोल रहे हैं, सभापति महोदय, बजट एक टूल होता है डेवलपमेंट का, और जो आर्थिक विकास होता है उस आर्थिक विकास के साथ एक राजनीतिक दृष्टि होती है। इसलिए पॉलिटिकल इकोनॉमी किस डायरेक्शन में, किस दिशा में जाती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा अधिष्ठान पैराडाइम क्या है। क्योंकि मैं सैमुअल जॉनसन को एक उद्धृत करना चाहता हूं, उन्होंने एक बार कहा था, किसी सभ्यता की असली परीक्षा इस बात की होती है, द रियल टेस्ट ऑफ सिविलाइजेशन, हाउ मच बेनिफिट वी आर गिविंग टू द पुअर। जब यह बात उन्होंने कही थी तब यूरोप में लगातार अर्थव्यवस्था पर कॉरपोरेट हावी था। 2014 और 2014 के पूर्व एक जो बुनियादी अंतर आया है, उस बुनियादी अंतर ने किस प्रकार देश के अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम किया है, उसके मैं एक दो उदाहरण देना चाहता हूं। सभापति महोदय, हिंदुस्तान में जो हाशिए के लोग हैं उसमें ट्राइबल कम्युनिटी आती है। 8.6% देश में ट्राइबल कम्युनिटी हैं, जिनकी जनसंख्या लगभग 11 करोड़ है। दूसरा जो ज्योग्राफिकली जो हाशिए के का क्षेत्र बन गया था वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन था, जहां देश का 3.76% पॉपुलेशन रहता था और 2,62,000 समतल भूमि पे, यानी 28% भूमि जो वहां की है वहां पर ये ट्राइबल पॉपुलेशन और वहां के लोग रहते थे, 72% हिस्सा माउंटेन प्लेटो इत्यादि के पास था। भारत सरकार ने जो महत्वपूर्ण कदम उठाया है, 2014 के पहले जो स्थिति थी, लगातार गरीबी हटाओ और गरीबों के नाम पर जो चलती थी, उस पर एक कवि ने लिखा था, सरकारें आती जाती हैं, वादों के सपने सजाते हैं, भर के अपने झोली को फिर दबे पांव चले जाते हैं। आज 2014 के बाद यह कविता प्रासंगिक हो गई, क्योंकि जब उन गरीबों के लिए अर्थव्यवस्था के बुनियाद को मजबूत करने के बाद टॉयलेट्स बनता है, 2 करोड़ से अधिक लोगों को घर मिलता है, 46 करोड़ लोगों का बैंक अकाउंट खुलता है, लगभग 35 मिलियन लोगों को एलपीजी कनेक्शंस मिलता है, 80 मिलियन के लोगों को एलपीजी कनेक्शन मिलता है। यह जो बुनियाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रखी गई है, इस बुनियाद ने उन लोगों को झूठला दिया है जो इस देश को लगातार बाम और दक्षिण के बीच, लेफ्ट और राइट के बीच बांटकर, गरीबों का नाम लेकर, गरीबी हटाओ के नाम लेकर गरीबी रेखा को अस्थायित्व देना चाह रहे थे। इसे 2014 के बाद हुए एक अधिष्ठान परिवर्तन है। उस परिवर्तन में चाहे ट्राइबल का क्षेत्र हो या दलित समुदाय हो, और हमारी इस प्रगति को दुनिया के लोग अब स्वीकार करने लगे हैं। जो पत्र पत्रिकाएं हमारी विचारधारा और हमारे नेतृत्व को कटघरे में खड़ा करती थी, आज इन तथ्यों के आधार पर इकोनॉमिस्ट पत्रिका ने मई 2022 के अंक में जो चीजें रेखांकित की हैं, इंडियाज मोमेंट करके उसने एक कवर स्टोरी छापा है। इसमें उसने बताया है कैसे भारत, यानी डिजिटल इंडिया, 17 बड़े डिजिटल इकोनॉमीज के बीच में दूसरे स्थान पर पहुंच गया,
जो डिजिटल ट्रांसफर हो रहा है बेनिफिट्स का, वह मात्र लोगों को राहत ही नहीं है। सभापति महोदय किंस ने एक बात ठीक कही थी, इसका मल्टीप्लायर एक्सेलेटर है। यदि किसी व्यक्ति को हम मदद करते हैं तो वह मदद सिर्फ उस पैसे के रूप में नहीं होता है, उसका प्रभाव तात्कालिक ही नहीं होता है, अर्थव्यवस्था पर उसका चक्रीय है यानी साइक्लिकल इंपैक्ट पड़ता है और अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है। 2014 के बाद से यह काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निरंतर करने का काम किया है। जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन इस देश में लाने का काम किया प्रधानमंत्री जी ने कि वेलफेयर मेजर्स को उन्होंने सिर्फ नारे का विषय नहीं बना दिया, ये हॉलो स्लोगन्स नहीं था। जो हाशिए के लोग हैं, मार्जिनलाइज पीपल हैं, उन मार्जिनलाइज पीपल को, उन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक इंक्लूसिव इकोनॉमी देने का जो उन्होंने काम किया है, इसी कारण से मैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के एक अर्थशास्त्री को, एक सोशल साइंटिस्ट को मैं उद्धृत करना चाहता हूं। अश्विनी कुमार ने अपने लेख में एक बहुत अच्छी बात कही है, उन्होंने प्रधानमंत्री जी के इन दृष्टि को, इस कदम को वेलफेयर आर्किटेक्चर कहा है और कहते हुए कहा है ए डिस्टिंक्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पुअर। यानी पहली बार हिंदुस्तान में 47 के बाद से गरीब केंद्रित, पुअर सेंट्रिक नीति को आज समाजशास्त्र और इकोनॉमिस्ट, यानी दुनिया के अखबार और पत्रिकाएं, चाहे फाइनेंशियल टाइम्स हो या इकोनॉमिस्ट, स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है जब आर्थिक विकास ने हिंसा को समाप्त किया, लोगों के बीच में असहिष्णुता को समाप्त किया, तब भी हमारे सदन में अर्बन नक्सल के समर्थन में क्यों बात कही जाती है, और जब अर्बन नक्सल का विरोध किया जाता है जिनके कारण समाज में असहिष्णुता बढ़ती है, जिसके कारण समाज में कटुता बढ़ती है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी स्वतंत्रता छीनी जा रही है। जिन अर्बन नक्सल के कारण छत्तीसगढ़, झारखंड सहित ट्राइबल क्षेत्र में लगातार हिंसा की घटनाएं घटती रहीं, विकास को रोका जाता रहा, आज 2014 के बाद से ऐसी ताकतों को हाशिए पर डाला गया और यह सरकार इस बात के लिए कृत संकल्प है कि ऐसी कोई भी ताकत यदि सामने खड़ी होगी तो उसे हम जड़ मूल से मिटाने के लिए कृत संकल्प है। सभापति महोदय, राष्ट्रीय स्तर पर जब विकास का कार्य हो रहा है, दुनिया में अनेक ऐसे देश हैं। साउथ अमेरिका का ब्राजील एक देश है जिसको रिनासा ऑफ द लैटिन अमेरिका माना जाता था विकास के क्षेत्र में, और पूरे लैटिन अमेरिका पे, चाहे बोलिविया हो कि ब्राजील हो, पेरू हो, चिली हो, वेनेजुएला हो, एक लेफ्ट एक्सपेरिमेंट हुआ। उस लेफ्ट एक्सपेरिमेंट के बाद वहां दो बार, एक बार पिंक रिवॉल्यूशन 80 के दशक में हुआ, सत्ता से बाहर आए, फिर वामपंथ आया और वह लेफ्ट एक्सपेरिमेंट फेल कर गया। आज साउथ अफ्रीका, आज लैटिन अमेरिका एक फेल्ड स्टेट के रूप में सामने आ रहा है। दूसरी तरफ नव उदारवाद में जिन लोगों ने नव उदारवादी नीति के द्वारा सिर्फ पूंजीवाद को आगे बढ़ाया, आज ऐसे विकसित देश आज संकट में आ रहे हैं। इसलिए मोदी डॉक्ट्रिन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोनों के बीच में एक थर्ड वे, एक तीसरे रास्ते को स्थापित किया है, जिस रास्ते का एकमात्र केंद्र बिंदु है प्रो पीपल, जनहित के लिए। जब हमें पब्लिक सेक्टर के पास जाना पड़ेगा हम पब्लिक सेक्टर के पास जाएंगे, जब हमें प्राइवेट सेक्टर के पास जाना पड़ेगा हम प्राइवेट सेक्टर के पास जाएंगे, जब हमें दोनों के पास जाना पड़ेगा तो हम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन की बात करेंगे। जब इकोनॉमिक फंडामेंटलिज्म इस देश को 7 दशकों तक ग्रस्त कर रखा था, उस इकोनॉमिक फंडामेंटलिज्म से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साहस के साथ इस देश को अलग किया है। इसलिए जब भी कोई नीतियां आती हैं, सभापति महोदय, जब जनधन योजना आया था तो अच्छे नियत वाले भी लोग उसका माखोल उड़ा रहे थे, उसकी आलोचना कर रहे थे, लेकिन ठीक 8 साल बाद आज पूरी दुनिया और इकोनॉमिस्ट
जैसी पत्रिकाएं दुनिया के देशों को यह प्रेरणा दे रही है कि भारत के रास्ते पर चलने की जरूरत है, क्योंकि भारत का जो रास्ता है उस रास्ते ने न सिर्फ लोगों तक राज्य का वह अंश पहुंचाया, उन्हें भारतीय गणतंत्र का हिस्सा होने के लिए एक एहसास दिया है। सभापति महोदय, आर्थिक विकास के क्षेत्र में जब हम कदम बढ़ाते हैं तो दृष्टिकोणों की आलोचनाएं हो सकती हैं, लेकिन जब देश दवा के उत्पादन में दुनिया में तीसरे स्थान पर चला जाए, डिजिटल क्षेत्र में दूसरे स्थान पर पहुंच जाए, देश की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए और पूरी दुनिया में भारत में गरीबी को हटाने की उस प्रक्रिया के प्रति एक दृष्टिकोण बदल जाए, लेकिन भारत के विपक्ष उन बातों को पर भी सहमति देने के लिए तैयार नहीं है जिन बातों का संबंध राष्ट्र से है, जिन बातों का संबंध आम जनता से है, जिन बातों का संबंध देश में कल्याण के कार्यों से है। सभापति महोदय, जो एक सबसे महत्वपूर्ण कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उठाया है, अर्थव्यवस्था तब तक सुदृढ़ नहीं हो सकती है जब तक नीचे से लेकर ऊपर तक एथिक्स का महत्व को, नैतिकता के महत्व को स्वीकार नहीं किया जाए। यदि ऊपर में देखें, इंसॉल्वेंसियन बैंकरप्सी कोड के द्वारा जब 5,00,000 करोड़ रुपए भारत सरकार के पास वापस आता है, एनपीए शब्द कोश से बाहर होने लगता है, जो अर्थव्यवस्था का पहला शब्द बन गया था वो अब हमारे लिए अंतिम शब्द रह गया है। दूसरी तरफ लगभग 35 मिलियन जो फेक एलपीजी कार्ड था उसे समाप्त किया, 47 मिलियन फेक राशन कार्ड को समाप्त किया, 7.8 मिलियन जो फेक एम्प्लॉयमेंट गारंटी कार्ड बनाए हुए थे उनको समाप्त किया। तो अर्थव्यवस्था सिर्फ इस बात से नहीं चलती है कि आप क्या कार्यक्रम लाते हैं, क्या नीतियां लाते हैं, आपकी नीयत कैसी है, और नीयत में आप में यदि खोट है तो अच्छी नीतियां भी समाप्त हो जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने साफ नीयत से, देश के विकास की नीयत से, गरीबों को केंद्र में रखकर जो काम किया वो अद्भुत और अभूतपूर्व कार्य है जिसे आज पूरा देश स्वीकार कर रहा है। सभापति महोदय, हमारा सरहद हमेशा से एक ऑर्फन स्टेज में रहा है। 4000 किलोमीटर का चीन के सरहद पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिलांग में जिस बात को कहा, सड़क सेतु यानी सड़क और पुल और सुरंग सेतु और सुरंग बनाने के बाद, मैं 2015 में स्टैंडिंग कमेटी के तहत जब मैं गया था और सेना के जवानों से बात हुई, वे दबे जवान से कह रहे थे कि सेना को वहां पहुंचना, सेना के आर्म्स का पहुंचना, सेना के बुतात का पहुंचना आपात स्थिति में बहुत ही कठिन स्थिति है। लेकिन जब हम 2021 में वहां पहुंचे तो भारत की सेना भारत की सरकार की उन नीतियों पर गर्व कर रही है जिन नीतियों के कारण आज सरहद भी सुरक्षित है, सेना का आत्मबल बढ़ा है और दुनिया में हमसे जलने वाले, चिढ़ने वाले और विस्तारवादी नीति रखने वाले देश आज हमसे आक्रांतित है। इससे अर्थव्यवस्था सिर्फ बदलती है तो सिर्फ गांव तक ही नहीं पहुंची है, वो सरहद तक भी पहुंची है, वो सिर्फ गरीबों तक ही नहीं पहुंची है बल्कि उस मध्यम वर्ग को भी राहत दिया गया है। इसलिए मैं अंत में अपनी बात को समाप्त करने से पहले एक उद्धृत करना चाहता हूं, जब एक सफल नेतृत्व होता है तो उसके लिए इतिहासकार गिब्बन ने कहा था, द विंड्स ऑलवेज फेवर द एबलेस्ट नेविगेटर। आज प्रधानमंत्री जी जो कदम उठा रहे हैं उस कदम के पीछे पूरा देश खड़ा है, देश को अनुभूति हो रही है कि एक भारतीय गणतंत्र उसके पास है और गणतंत्र का वो हिस्सा है। इसलिए मैं अपने विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूं अंत में कि आलोचना कीजिए लेकिन रचनात्मक हो। चुनावी मुद्रा में हर समय आलोचना करने से
आपकी अपनी विश्वसनीयता जाती है, देश की संप्रभुता का मूल्यांकन करने से आप पर लोग हंसते हैं, शत्रु राष्ट्र आपसे खुश होता है, इसलिए कम से कम देश के उन मुद्दों पर जो संप्रभुता का मुद्दा है, जनता के कल्याण का मुद्दा है, सभापति महोदय हम सबको एकमतता रखनी चाहिए और उसी एकमतता के साथ राष्ट्र को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद। मैसेज फ्रॉम लोकसभा सेक्रेटरी जनरल।